नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लगातार हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। ये अभी जो मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये कोटा बैराज का नज़ारा है। चंबल नदी पर बना कोटा बैराज, और ये इस नदी के ऊपर काफ़ी बैराज है, डैम काफ़ी बने हुए हैं। राउत भाटा बांध है, गांधी सागर बांध है, और ये नए पुलों का निर्माण हुआ है। और दोस्तों, अभी आपको हम बता रहे हैं, कोटा नव निर्माण की तरफ बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर गंगा घाट पर जैसे घाट बने हुए, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों तरफ, दोनों किनारों पर, चंबल माता के दोनों किनारों पर घाट बनाए जा रहे हैं। और सन 2022-23 तक यहाँ का कार्य पूरा हो चुका होगा, और पर्यटन के हिसाब से बहुत आगे बढ़ने की संभावना दिखती नज़र आ रही है अब कोटा में। यहाँ पर चंबल माता की एक बहुत विशाल मूर्ति लगेगी, एक घंटा है जो लगेगा। और ये जो अभी धुंध देख रहे हैं, ये धुंध के साथ साथ में यहाँ पर जो नवनिर्माण कार्य चल रहा है, उस कार्य के चलते हुए भी मिट्टी और धूल के उड़ने का ये दृश्य है। और अभी गर्मी का सीज़न जाने वाला है, और बारिश का सीज़न आने वाला है, तो जाती हुई गर्मी का ये भी मौसम का नज़ारा भी है। और ये देखिए, ये जो घाट बनाए जा रहे हैं, ये घाट का एक हल्का सा नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, निर्माण अभी चल रहा है, जब ये निर्माण पूरा होकर सामने आ जाएगा, तो आप सोचिए चंबल किनारे ये घाट कितने सुंदर और कितने आकर्षण का केंद्र बनेंगे। और पर्यटन के हिसाब से कोटा में काफ़ी लोगों के आने की पूरी पूरी संभावना है, और अभी बहुत आगे की तरफ कोटा बढ़ता है। मैं जितेंद्र सिंह, कोटा राजस्थान। हर मौसम के बाद में एक मौसम बदलता है, और ऋतुएँ बदलती ही आती हैं। मैं ऐसे ही ऋतु बदलते हुए आपको आज का कोटा राजस्थान का ये नज़ारा दिखाता हूँ, जहाँ पर धूल भरी आंधी चल रही है। गर्मी के बाद बारिश का सीज़न, ये चंबल का किनारा कोटा बैराज। बनारस की तर्ज पे यहाँ पर घाट बनाए जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये बैराज से नीचे का रास्ता है, जो गढ़ के पीछे से होके निकलता है। यहाँ का भी सौंदर्यीकरण बहुत जोरों पर चल रहा है, और बहुत विशाल तरीके से काम को आगे अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर पूरा पानी के, जहाँ पर पानी आता था वहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन बनाया जा रहा है। और हम अब आपको लेके चल रहे हैं सीधा गढ़ पैलेस के पीछे। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नज़ारा, यहाँ पर एक बहुत विशाल गार्डन बनाया जा रहा है। निर्माण अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है चारों तरफ। चंबल किनारे नहीं, इवन कोटा के हर एक चौराहे सर्कल को बहुत अच्छे तरीके से सुंदरता में तब्दील कर दिया गया है। मैं पूरे कोटा को अपने कैमरे के माध्यम से, अपनी आंखों के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा। ये जो सामने देख रहे हैं, कोटा का गढ़ पैलेस है, जिसका पीछे का हिस्सा, और ये जो आप देख रहे हैं, ये रानी महल हुआ करता था। ये जो देख रहे हैं आप, ये रानी महल हुआ करता था। ये कोटा गढ़ का पीछे का हिस्सा है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बड़ तकरीबन 80-90, मतलब ये मान के चलो आप 100 साल पुराना बड़ है, जो गढ़ के पीछे ही है। ये रानी महल के जस्ट पीछे ये बड़, इसकी शाखाएं भी देख रहे हैं, इसकी जटाएं भी देख रहे हैं आप। अब ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, निर्माण चल रहा है, यहाँ पर एक विशाल पार्क बनाया जा रहा है पब्लिक के घूमने के लिए। और ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।